दोस्तों जो विजुअल्स आप इस समय हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति का नाम यूनिस अब्दुल्ला है और ये सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं, IRP 7th बटालियन में कार्यरत हैं और अमरनाथ यात्रा में अपना ड्यूटी दे रहे थे। SDPO जुनेद जो पहलगाम में कार्यरत हैं SDPO के पद पर, ना जाने उनको ऐसा क्या सूझा कि क्यों इस सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल यूनिस अब्दुल्ला पर अपनी नौकरी का, अपनी अफसरशाही का और अपनी पावर का, SDPO होने का गलत फायदा उठाते हुए एक कांस्टेबल पर, यानी पुलिस ने ही, एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने पुलिस के छोटे अधिकारी पर अपनी पावर का जो है रौब दिखाते हुए जो है इस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर उसको दिया है। चंद रोज पहले आपको याद होगा कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में SHO पुंछ द्वारा IRP बटालियन के ही एक जवान पर इस तरह की बर्बरता सामने आई थी और फिर SHO साहब को लाइन हाजिर कर दिया गया था। क्या यहां पर भी SDPO जुनेद पर इस तरह की कोई कार्रवाई कश्मीर संभाग में की जाएगी? जो SSP पहलगाम है, क्या वो SDPO पर कोई कार्रवाई करेंगे? जितनी भी बड़ी बात हो जाए, क्या किसी सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल को इतनी बुरी तरह से मारना क्या किसी भी ग्राउंड्स के तहत जायज है? क्या आप नौकरी में एक अफसर से छोटे पद पर हैं तो क्या आप उस अफसर की मार खाएंगे? ये कितना सही है और कितना गलत है और इस पे क्या कार्रवाई होगी? क्या इस कांस्टेबल को जस्टिस मिलेगा? क्या ये जस्टिस की उम्मीद लगाई जाए तो पुलिस के किस अफसर से लगाई जाए? आप देख रहे हैं चैनल 1। धन्यवाद।